हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नंदन और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नंदन किंग्स पाठशाला में। हमारे इस चैनल में आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का नया लेसन, लेसन 9, कल्पना द स्टार। कल्पना यानी कि कल्पना चावला का नाम है, एक बहुत बड़ी शख्सियत है। वो क्या है और क्या नहीं हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। कल्पना द स्टार, कल्पना एक बहुत बड़ी स्टार है। कल्पना चावला, द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, वॉज बोल्ड इनफ टू मेक हर करियर इन एस्ट्रोनॉटिक्स। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, जो कि सबसे पहली महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी। इतनी साहसी महिला थी, इतनी हिम्मत वाली महिला थी कि वो अपना करियर एरोनॉटिक्स में बनाना चाहती थी। एरोनॉटिक्स यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित जो होती है। शी वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के लिए वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी, यानी कि उससे जो है लोगों को बहुत सीख मिलती थी। शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनी यंग इंडियन वुमेन। मैनी बहुत सारी जवान भारतीय महिलाओं की वो क्या है, एक रोल मॉडल है। उसको हर कोई कॉपी करना चाहता है, उसको हर कोई फॉलो करना चाहता है। इतनी वो रोल मॉडल है सबकी। रोल मॉडल उसे कहा जाता है जिसे देखकर सब, इसने ऐसा किया था, मैं भी वैसा वैसा बनना चाहूँगा, वैसा बनना चाहूँगी। सो रोल मॉडल जो है उसने कहा जाता है। तो बहुत सारे इंडियन महिलाओं की वो रोल मॉडल रह चुकी है। तो दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू कंडक्टेड इन हर ओन स्कूल। ये एक इमेजिनरी इंटरव्यू है। इमेजिनरी इंटरव्यू यानी कि ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ नहीं था, लेकिन ऐसे ही एक चैप्टर क्रिएट किया गया है जिससे लोगों को उसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता चल सके। तो उसी के स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ती है उसी स्कूल में, तो बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चों के साथ वो बात कर रही है। बच्चे क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल कर्नल। हम गुड मॉर्निंग मैडम, हम कर्नल टैगोर का स्कूल कर्नल के बच्चे हैं। वी वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। आपके स्पेस मिशन पर जाएं उससे पहले हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो मैडम क्या बोलती हैं, कल्पना मैडम, गुड मॉर्निंग, प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। जी बिल्कुल, पूछिए जो पूछना है पूछिए। तो रोहन पूछता है सबसे पहले, प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। सबसे पहले आपके बचपन के बारे में बताइए। तो कल्पना क्या कहती है, वेल आई वॉज बॉर्न इन ऑन 1 जुलाई 1961 इन कर्नल हरियाणा। मैं 1 जुलाई 1961 को कर्नल यानी हरियाणा में, हरियाणा एक राज्य है हमारे भारत का, वहाँ पर मैं जो है मेरा जन्म हुआ था। आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। जब मैं छोटी बच्ची थी तब से मुझे मेरा सपना है कि मैं हवा में उड़ू। इनफैक्ट आई थॉट ऑफ गोइंग फर्दर देन द पायलट्स एंड वॉन्टेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एट द एज ऑफ 13। और तो और मैं तो ये चाहती थी कि मैं जो पायलट होते हैं, पायलट जो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, मैं उनसे भी ऊपर उड़ूं और मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूं। अंतरिक्ष में जो जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट्स उन्हें कहते हैं। और मैं 13 साल की उम्र में एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, ये मेरा सपना था। तो कविता क्या बोलती है, डू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ। अब आपके बारे में मुझे हमें और बताइए। कल्पना लाफिंग हंसते हुए बोलती हो, वेल आई एम ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। मैं एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हूँ, यानी कि मैं शाकाहारी हूँ। मांस निमांस मैं चिकन मटन ये सब नहीं खाती। एक जो है ये क्या है, वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। शाकाहारी उन्हें कहा जाता है जो चिकन मटन वगैरह नहीं खाते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ना खाएं तो ही बेहतर है, क्यों जानवरों को खाते हो। आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स, आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। तो मैं अपने टीचर्स की बहुत रेस्पेक्ट करती थी। आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स, और करनी भी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपके गुरु की हमेशा जो है इज्जत करनी चाहिए। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। फ्लाइंग, मुझे उड़ना बहुत पसंद है। हाइकिंग, मुझे लंबी यात्राओं पर चलना बहुत पसंद है। बर्ड वॉचिंग, मुझे पक्षियों को देखना बहुत पसंद है। तो ये सब उसके शौक हैं। तो असलम पूछ रहा है, व्हाट कोर्सेज डिड यू हैव टू गो थ्रू द बिकम एन एस्ट्रोनॉट। आपको एस्ट्रोनॉट बनने के लिए क्या कोर्स करना पड़ा। तो कल्पना क्या बताती है, आफ्टर पासिंग हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल कर्नल इन 1976, जब मेरे हाई स्कूल की जो पढ़ाई है मैंने पूरी कर ली टैगोर स्कूल से, कर्नल से, 1976 में उसने पूरी कर ली थी हायर स्टडीज। हायर स्टडीज बोले तो 12th क्लास। आई ज्वाइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। मैंने 12वीं पास होने के बाद मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि चंडीगढ़ में है, मैंने वो ज्वाइन किया मेरी बैचलर डिग्री पूरी करने के लिए। और वो डिग्री कहाँ में करी उसने, बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982 में उसने जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी, जो कि एक ऐसी इंजीनियरिंग, ऐसा कोर्स है जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले लोग जो है वो करते हैं। देन
आई देन मूव्ड ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए, फिर मैं अमेरिका चली गई अपनी हायर स्टडीज के लिए, मास्टर डिग्री के लिए 1984 में। आई अर्न माई पी एच डी इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोरलडो यूएसए 1988। 1988 में मैंने सेम सब्जेक्ट में यानी कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मैंने पी एच डी कर ली। 1988 में उन्होंने पी एच डी कर ली एक महिला होते हुए भी, मतलब कि बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस समय महिलाओं को इतना जो है पढ़ाई लिखाने के लिए मौका नहीं मिलता था, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इन्हें पढ़ने का मौका मिला, बहुत खुश नसीब महिला थी। जीतू, हाउ डिड यू ज्वाइन नासा, आप नासा कैसे ज्वाइन हुई? तो नासा क्या है, देखिए किसी वर्ड की अगर आखिर में अगर ऐसा स्टार दिया जाता है तो मतलब कि उसको उसकी जो डेफिनेशन हो सकती है, उसकी परिभाषा या वो क्या है, वो हमें पहाड़ के नीचे मिलता है हमेशा। तो हम देखेंगे कि नासा का मतलब है क्या। तो देखिए यहाँ पर नीचे दे रखा है नासा, वो स्टार जो था ना, नासा मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक संस्था है यूएस गवर्नमेंट की, यानी कि अमेरिका गवर्नमेंट की एक संस्था है ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा। ये तो यूएस मतलब कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, अमेरिका की सरकार का एक संगठन है ये, जो क्या करता है, जो अंतरिक्ष में जाने के लिए रिसर्च करता है और वहाँ अपने सैटेलाइट भेजना करना, जो अंतरिक्ष रिलेटेड जो भी काम होता है वो नासा करती है। तो ये अमेरिका की एक संस्था है। जीतू ने पूछा कि हाउ डिड यू ज्वाइन नासा, आप नासा कैसे ज्वाइन किए? तो उसने बताया दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे कि मैंने नासा कैसे ज्वाइन किया। इनिशियली आई ज्वाइन नासा एज ए रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 एंड वर्कड फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर। मैंने नासा को एक रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर 1995 में ज्वाइन किया था और उनके लिए मैंने काम किया, एम्स रिसर्च सेंटर पर मैंने उनके लिए काम किया। बट देन इंस्पायर्ड बाय द पायनियरिंग इंडियन पायलट जेआरडी टाटा, आई ट्राइड हार्ड एंड वाज अल्टीमेटली सिलेक्टेड फॉर माय फर्स्ट फ्लाइट इन 1996। तो बोलते कि तब तक मैंने उनके लिए काम किया, लेकिन उसके बाद मैं इंस्पायर्ड हुई एक इंडियन पायलट जेआरडी टाटा से, इंस्पायर्ड यानी कि उनसे प्रेरित हुई उनके कार्य से, उनसे उनके कार्य से उनको बहुत प्रेरणा मिली और इन्होंने भी बहुत हार्ड ट्राई, अच्छा बोलते हैं कड़ी मेहनत करी और अल्टीमेटली वो सिलेक्टेड हो गई उसकी उनकी फर्स्ट फ्लाइट 1996 के लिए वो जो है सिलेक्टेड हो गई। हाउ वॉज योर फर्स्ट स्पेस मिशन, आपका फर्स्ट स्पेस मिशन कैसा रहा? आई टुक ऑफ फॉर माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलम्बिया और 19 नवंबर 1997 को मैं मेरा पहला स्पेस मिशन शटल कोलम्बिया को चढ़ी। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87, फ्लाइट का नाम STS-87 था। आई वर्कड विद माई 6 मेंबर स्पेस क्रू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट, मैं उस मिशन की मिशन स्पेशलिस्ट थी जिसमें हम लोग 6 मेंबर थे एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर, और मैं उसमें प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर भी थी। आई एन्जॉयड द एवरी मोमेंट ऑफ इट, और मैंने उस मोमेंट का एक पल उसका मैंने बहुत ही एन्जॉय किया। वट आर यूर फर्दर प्लान, आपके आगे क्या प्लान्स हैं? वेल माई नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस शटल कोलम्बिया, द फ्लाइट इज कॉल्ड STS-107। मेरा आगे का मिशन यही है उसी स्पेस शटल में काम करने का, और मेरे नेक्स्ट फ्लाइट का नाम है STS-107। आई विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, मैं 16 जनवरी 2003 को यहाँ से टेक ऑफ करूँगी यानी कि हमारी फ्लाइट यहाँ से उड़ेगी, उड़ान भरेगी। इट विल बी अ मिशन डेडिकेटेड टू द साइंस एंड रिसर्च, ये एक ऐसा मिशन होगा जो किसको डेडिकेटेड होगा, साइंस और रिसर्च को वो अपना योगदान देंगे। वी होप टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन स्पेस, हमारे बहुत सारे साइंटिफिक वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स हम स्पेस में करेंगे। तो कविता क्या बोलती है, थैंक यू मैम, तो कल्पना बोलती है यू आर वेलकम, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो उसके बाद क्या होता है, द स्पेस शटल कोलम्बिया फ्लाइट STS-107 टुक ऑफ आर शेड्यूल, द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म 8 एक्सपेरिमेंट्स इन द स्पेस। तो जिसके बारे में कल्पना ने बताया था कि मेरा नेक्स्ट फ्लाइट जो है STS-107 वो उसने उड़ान भरी और उसकी जो उसमें जो लोग गए थे उन्होंने सक्सेसफुली सफलतापूर्वक उन्होंने 8 एक्सपेरिमेंट पूरे कर लिए, स्पेस में 8 एक्सपेरिमेंट उन्होंने पूरे कर लिए। अनफॉर्चुनेटली 16 मिनट प्रायर टू लैंडिंग, लैंड होने से 16 मिनट पहले, सिर्फ 16 मिनट पहले द स्पेस क्राफ्ट डेवलपमेंट स्नेक, और जो स्पेस क्राफ्ट जो था जिस यान में वो लोग गए थे वो क्या हो गया, वो क्रैश हो गया। कोलंबिया पेरिश्ड विद हर क्रू ऑन 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया जो है वो ब्लास्ट हो गया, पता नहीं किस कारण की वजह से, किसी टेक्निकल कारण की वजह से वो जो यान था वो ब्लास्ट हो गया। द होल क्रू ग्रू डेड लॉस, और सारी जो टीम के साथ गई थी वो सब उसी में सबकी मौत हो गई, कल्पना भी उसी में थी, उसी में उसकी मौत हो गई।
कल्पना वॉज अवार्डेड सेवरल ऑनर्स आफ्टर हर डेथ, उसके मरने के बाद उसे कई तरह के अवार्ड से उसे सम्मानित किया गया। अ हेवनली बॉडी इज रिनेम्ड कल्पना चावला, और उसका उसकी बॉडी का जो उसको साइंटिफिक नाम दिया गया है एस्ट्रॉइड 51826 जो कि उसका बेस नंबर होगा, उससे कल्पना चावला को जो है कहा जाता है। अ हिल ऑन द प्लैनेट मार्स इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर। एक हिल यानी एक पहाड़ है मार्स में, मार्स ग्रह में, मंगल ग्रह में, उसे भी कल्पना के नाम पर रखा गया है कल्पना। ऑन हर डेथ हर ब्रदर संजय चावला रिमार्क टू मी माई सिस्टर इज नॉट डेड। तो उसका जो भाई है उसकी मौत पर उसका भाई जो है एक बात बोलता है, वो कहता है मेरे लिए मेरी बहन नहीं मरी है, शी इज इमोर्टल, वो हमेशा हमें हमारे लिए अमर रहेगी, हमेशा लिए हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। शी इज अ परमानेंट स्टार इन द स्काई, वो एक परमानेंट स्टार यानी कि एक सितारा बन गई है वो आकाश के अंदर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन February 5th, 2003 टू नेम द मेट्रियोलॉजिकल सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स अस कल्पना। तो द प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने अनाउंस किया 5 फरवरी को कि अब जो सैटेलाइट की जो सीरीज बनेगी वो कल्पना के नाम पर बनेगी, जो ऊपर अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ी जाती है वो कल्पना के नाम पर बनाई गई है उसके सम्मान में। अ डॉर्मिटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2004 अंडर द नेम कल्पना चावला हॉल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक हॉल बनाया गया कल्पना चावला हॉल के नाम से बनाया गया। सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा, एक नासा की तरफ से एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया, कल्पना रखा गया। तो उसके इस साहसिक कार्य की वजह से उसे इतने सारे अवार्ड, इतना सारा सम्मान मिला उसे मरने के बाद भी, तो ये बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए। इसी के साथ हमने चैप्टर जो है आपको समझा दिया है, उम्मीद है आपको लाइन बाय लाइन पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह ही अच्छे समझ में आ गया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों टीचर्स और पेरेंट्स को भी इसके बारे में बताएं और इस चैनल को देखें और वीडियो से कुछ सीखें। इसी के साथ धन्यवाद, स्टडी वेल।